पाठ एक भाषा बोल लेख एवं संकेत जानवरों को मत सताओ। बच्चों हमें जानवरों से अच्छा व्यवहार करना चाहिए। बच्चों ऊपर दिए गए चित्रों को देखो। प्रथम चित्र में कर्मचारी बच्चों से जानवरों को छेड़ने से मना कर रहा है तथा बच्चा उसकी बात सुन रहा है। दूसरे चित्र में यही बात कक्षा में अध्यापक श्याम पट्ट पर लिख रहे हैं व छात्र इसे देखकर समझ रहे हैं। हाथों व आँखों की सांकेतिक भाषा का व्याकरण में कोई महत्व नहीं है। संकेतों में भीख मांगना, गूंगे बहरों का संकेतों द्वारा बात करना, यह सभी सांकेतिक भाषा के उदाहरण हैं। पशु पक्षी भी विभिन्न प्रकार की आवाज निकालकर अपनी बात कहते हैं। मनुष्य अपनी बात को लिखकर, बोलकर अथवा संकेतों के द्वारा व्यक्त करता है। इसके लिए भाषा का माध्यम आवश्यक है। परिभाषा। भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं तथा दूसरों के विचार भी समझते हैं। भाषा के रूप। मुख्य रूप से भाषा के दो रूप हैं, मौखिक लिखित। प्राध्यापक महोदय विद्यालय की प्रार्थना सभा में बच्चों को संबोधित कर रहे हैं व बच्चे उनकी बात को सुनकर समझ रहे हैं। यह भाषा का मौखिक रूप है। इस प्रकार जब हम बोलकर और सुनकर अपने मित्रों, परिवार के सदस्यों तथा अन्य लोगों से विचारों का आदान प्रदान करते हैं तो यह भाषा का मौखिक माध्यम है। जब हम पत्र या संदेश लिखकर अथवा समाचार पत्र या पुस्तक पढ़कर लिखी हुई बात समझते हैं या उन्हें दूसरों को समझाते हैं तब हम भाषा का लिखित माध्यम प्रयोग में लाते हैं। किसी देश में सर्वाधिक लोगों द्वारा प्रयोग की जाने वाली भाषा को उस देश की राष्ट्रभाषा कहते हैं। भारत में अधिकतर लोग हिंदी भाषा के विभिन्न रूपों का प्रयोग करते हैं, अतः हिंदी ही भारत की राष्ट्रभाषा है। भारत में हिंदी भाषा के विकास तथा उसके महत्व को जनसाधारण में प्रचलित करने के उद्देश्य से प्रत्येक वर्ष 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है। किसी देश की राष्ट्रभाषा ही उस देश की मातृभाषा कही जाती है। भारत में बोली जाने वाली अन्य भाषाएं। भारत में अनेक भौगोलिक परिक्षेत्र हैं और हर परिक्षेत्र की अपनी अलग भाषा है। यहाँ पर बहुत सी भाषाएं बोली जाती हैं, इसलिए यहाँ के बारे में प्रसिद्ध है, कोस कोस पर बदले पानी, दो कोस पर बदले बानी। हमारे देश में अलग अलग प्रांत के लोग अलग अलग भाषाएं बोलते हैं। पंजाब में पंजाबी, गुजरात में गुजराती, बंगाल में बंगाली, असम में असमी, महाराष्ट्र में मराठी आदि भाषाएं बोली जाती हैं। दक्षिण भारत में कन्नड़, तमिल, मलयालम व तेलुगु भाषाएं प्रचलित हैं। वैसे तो भारत में 500 से अधिक भाषाएं बोली जाती हैं, किंतु मान्यता प्राप्त भाषाओं की संख्या 22 है। लिपि। प्रत्येक भाषा के लिखने की अपनी एक विधि होती है। इस विधि को लिपि कहते हैं। लिपि का ढंग भिन्न होता है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, अंग्रेजी भाषा रोमन लिपि में, संस्कृत भाषा देवनागरी में तथा उर्दू भाषा पारसी में लिखी जाती है। बच्चों, क्या आपने 100 अथवा 500 रुपये के नोट पर लिखी विभिन्न भारतीय प्रांतीय भाषाएं देखी हैं? इन नोटों पर हिंदी व अंग्रेजी के अतिरिक्त 15 प्रांतीय भाषाओं में नोट का मूल्य लिखा रहता है। हमने सीखा, विचारों व भावनाओं की स्पष्ट अभिव्यक्ति का साधन भाषा होती है। अपनी बात को दूसरों तक पहुंचाने का माध्यम भाषा कहलाता है। हम अपनी बात को बोलकर या लिखकर व्यक्त करते हैं। हम अन्य लोगों के विचार सुनकर अथवा पढ़कर समझते हैं। भाषा के दो रूप व्याकरण के नियमों के अनुरूप हैं, मौखिक और लिखित। भाषा को लिखने की विधि लिपि कहलाती है। विभिन्न भाषाएं विभिन्न लिपियों में लिखी जाती हैं। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि तथा अंग्रेजी रोमन लिपि में लिखी जाती है। भाषा कौशल बातों बातों में। रवि, मुझे भाषा की परिभाषा तो बता दो, मुझे परीक्षा की तैयारी करनी है। भाषा वह माध्यम है जिससे हम अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। धन्यवाद रवि। कोई बात नहीं श्रेया,
मेरा भी अभ्यास हो गया।